अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट चिक्की। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ये सर्दियों में खाई जाती है और ये तकरीबन सभी को पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए जो जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होंगे वो ये हैं। सबसे पहले हमें ये चाहिए घी लिया है, ये नॉर्मल घी है, आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हैं। ये मैंने लिया तकरीबन 1.5 टीस्पून। और पीनट हमें चाहिए, ये तकरीबन मैंने लिया है 100 ग्राम। और गुड़ हमें चाहिए, ये तकरीबन मैंने लिया है 150 ग्राम। ये हमने फ्राई पैन ले लिया। सबसे पहले पीनट को रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। तो बस थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लें। पीनट को हमने रोस्ट कर लिए, 1-2 मिनट बस रोस्ट करें। जब खुशबू आने लगे तब आप इसको उतार दें। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें घी डाल दें। पैन हमारा जो है वो गर्म ही है। अब इसमें आप डाल दें गुड़। जो फ्लेम है हमने इसकी लो ही रखनी है और लो फ्लेम पर इसको कुक करना है हमने, ताकि जो गुड़ है वो जले ना। गुड़ जो है वो तकरीबन मेल्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा और इसको मेल्ट करेंगे, लेकिन फ्लेम हमने लो ही रखनी है, क्योंकि अगर गुड़ जो है वो जल गया तो जो हमारी चिक्की है वो कड़वी बनेगी। गुड़ जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये मैंने पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें इस तरीके से। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसको चेक करते हैं, लेकिन चम्मच को हमने मुसलसल हिलाते रहना ताकि ये जले ना और फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। ये देखें जब इस तरह आए क्रिस्पी क्रिस्पी, ये देखें इस तरह टूटे तो आप समझे ये बिल्कुल ठीक है। और अगर इसमें लचक हो तो फिर आप थोड़ा सा और गुड़ को पकाएं, लेकिन जो है गुड़ है वो अच्छी तरह पक चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पीनट्स, इसको मुसलसल हिलाते रहें और फ्लेम बंद कर दें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। ये देखें ये बिल्कुल रेडी है, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। अब ये मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ली है, आप कोई भी ट्रे ले लें और इसको इस तरीके से डाल दें। मैंने इसको अच्छी तरह ग्रीस किया है, घी या ऑयल आप लगा दें और इसको अच्छी तरह ग्रीस कर इस तरीके से इसको सेट कर लें। और आपने जो घी है उस अच्छी तरह इसको ग्रीस करना है ताकि ये चिपके ना। इसको थोड़ा सा फैला दें। इस तरह इसको सेट कर लें। हमने बेलन लिया, इस पर भी थोड़ा सा घी लगा दें और इसको इस तरीके से फैला दें आप अच्छी तरह। जो चिक्की है वो थोड़ी पतली होनी चाहिए हमारी। हमने इसको सेट कर दिया। अब इस पर कट्स लगा लें आप, क्योंकि बाद में फिर कट नहीं लगेंगे, तब ये हार्ड हो जाएगी, पहले ही आप कट्स लगा लें। इस तरीके से आप कट्स लगा लें। अभी इसे जमना ये शुरू हो गई है। हमने सारे कट्स लगा दिए हैं, अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने दें, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। चिक्की जो है वो जम गई है, अब इसको अलग कर लेते हैं। ये देखें इसके पीसेस अब अलग कर लें।
पीनट चिक्की को मैंने डिश आउट कर दी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अगर ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे प्यारा सा कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।